नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लेडीज जुड़ रही हैं। ये 2003 से जुड़ रही हैं, सिमरन इंसा जी हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा का। सिमरन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपने जैसे बताया 2003 से आप आ रहे हो आश्रम में, जी कैसा महसूस करते हो आश्रम में आकर? आश्रम में आकर ऐसे महसूस किया जाता है जैसे मैं अपने मायके में हूँ, मतलब अपने पापा के घर में हूँ। सेफ्टी को लेकर कैसा महसूस करते हो? सेफ्टी तो आप जो सोचो, मेरी गुड़िया उसको भी दिखा सकते हो। जब हम आते हैं तो हमको जैसे एक माँ बाप के साथ, माँ बाप के घर में बच्चा सेफ होता है, वैसे हम सेफ्टी महसूस। आपकी बेटी भी आती है? हाँ, बेटी भी आती है, वो भी बचपन से, बिल्कुल बचपन से, 16 साल इसकी एज हो गई है। ये भी सेवा में भी आती है बच्ची, और जो हम रेगुलर आते हैं, और जब हम आप सेफ्टी की बात करते हैं, हम आते हैं, हमको इधर महसूस ही नहीं होता। भाई बहन जो भी, जैसे मीडिया में दिखाया गया कि लेडीज के साथ ऐसा किया जाता है, हम खुद उस मीटिंग में जाते थे, बच्चे जाते थे गुफा में, गए बड़ी बार हमारा क्या मीटिंग क्या होता था वहाँ पे, पिताजी एक जैसे एक बच्चों के साथ मिलना होता है माँ बाप के साथ, लेडीज अलग होती थी, जेंट्स अलग होती थी, कोई हमारी टाइमिंग नहीं होती थी, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। जब से हमने मीडिया में जो चीजें सुनी, तब से हमको बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रियलिटी नहीं दिखाई। अगर वो रियलिटी आके स्कूलों के बारे में बताते, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी खुद की दीदी जो कि वहाँ पे ब्रह्मचारी है, आगे हमारे 5 बच्चे ब्रह्मचारी है। आप सोचो अगर एक लड़की के साथ ऐसा होता तो हम आगे हमारी 3 लड़कियाँ कैसे बन जाती, 3 लड़के आगे ब्रह्मचारी कैसे बन जाती। अगर एक लड़की के साथ हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रही है, इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर आप सोचो अगर एक बच्चे के साथ हो, एक बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कह रहे थे सत्य ऐसे होता है, तो आगे माँ बाप क्यों आगे से आगे 3 बच्चों को आगे और भेजेंगे बनने? तो फिर इस तरीके से बदनाम क्यों किया गया आश्रम को? हमको समझ नहीं आ रहा, हमको ऐसे लगता है कि जैसे हम देखते थे, जैसे कोई जैसे चुनाव होते थे, अलग अलग पार्टियों के लोग आते थे, पिताजी एक जगह बैठा के उनको आशीर्वाद देते थे, मतलब उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमारा जैसे जो वोट बैंक है जो खतरे में जा रहा है। मेन चीज हमको यही लगती है जैसे हमने महसूस किया, क्योंकि जैसे चीज हमने देखी, मैं जैसे नाम शवल लेने से पहले हम भी वो सच्चाई थी, हमारे माँ बाप ने सब कुछ दिया था, लेकिन इधर आने के बाद मैंने जुड़ा, जब से देखा जैसे जो खूनदान करना, सफाई अभियान करना, जब मैं खुद करती हूँ, अब जब मैं ना करूँ 3 महीने के बाद मेरे को महसूस होता है, मैं 20 बार खूनदान कर चुकी हूँ, शरीर डोनेट है मेरा, हमारे आईज डोनेट है, सब बच्चों ने मेरे हस्बैंड पर मारा आईज डोनेट, जबकि ये नाम तो शवन लाने से पहले, इनसे जुड़ने से पहले हमको नहीं पता था, हमने कभी नहीं सोचा सफाई अभियान का। अब ये लोग कहते हैं कि अब अंदर है तो डेरा कैसे चल रहा है, वो मीडिया वाले खुद आके देख सकते हैं, अब क्यों नहीं आते? कितने लोग आते हैं डेरे में आश्रम में? वही आते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, जनता उनके साथ है, जनता आज भी उनके साथ है, अब खुद देख सकते हो, मीडिया वाले आके दिखाते क्यों नहीं? और एक चीज और बताना चाहती हूँ मीडिया वालों को, मैं रोज देखती हूँ, मेरा मेन काम है खबरें देखना, बोला आज तक मैंने बंद कर रखा है, क्यों कर रखा है? वहाँ जो अपने डेरे वाले हैं, जब जो भी अच्छे काम करते हैं, मैंने देखा कभी मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, उन चैनलों ने कभी नहीं दिखाया। अब जो अपना लॉकडाउन हुआ है, अब मैं एक मीडिया वालों से एक बार पूछना चाहती हूँ, जब ये लॉकडाउन हुआ है तब डेरे वालों को क्यों रिक्वेस्ट करते हैं, खुद सरकार रिक्वेस्ट करती है हमको आके ब्लड डोनेट दो, हमारे ब्लड डोनेट नहीं है, इनको क्यों ट्रू ब्लड प्रॉब्लम कहा जाता है? लेकिन ये खबर कभी मीडिया वालों ने नहीं दिखाई, जब भी डेरे वाला कहीं भी सेवा करने जाते हैं, कभी कोई आपदा आती है, डेरे वाले पहुंचते हैं, नहीं दिखाया जाता, लेकिन छोटी सी छोटी जो बेकार की खबर है उसको इतना उछालते हैं। मैं भी खुद जुड़ी हुई हूँ। मैम, लोग जुड़ते क्यों हैं गुरुजी के साथ? मतलब कि लोगों को अगर जान, मैंने मेरे हमारे खुद का मैं आपको बता रखी हूँ, हमारे परिवार में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी ऐसे ठीक होगी, मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ, मेरे जहाँ पे गिल्टी थी इतनी बड़ी, मैंने कभी उसका इलाज नहीं, इतनी बड़ी उन्होंने कहा था इसका प्रेशर हो सकता है, मैंने सेवा पे ध्यान दिया, नहीं पिताजी हम सेवा में आते हैं, इधर लोगों की मदद करते हैं, तो हमको लगा मीडिया आप देख सकते हो, मैंने आगे भी बताया था कि प्रमाण है, आप डॉक्टर के पास पूछ सकते हो कि मेरे को बीमारी है। लोगों को जब इधर लोगों को आते हैं, उनको सच्चाई दिखती है, तभी लोग झुकते हैं। आप एक बार बताओ, अब सफाई अभियान हमारे गुरु जी ने 2011 से चलाया, वही सफाई अभियान 2015 से मोदी जी ने चलाया, गुरु जी के एक आह्वान करने पर इतनी दुनिया चली जाती है, क्यों जाती है? हम खुद अपनी गली में मैं पूरी सफाई रखती हूँ, मेरा काम है, लोग कहते रहते हैं, पर कहते हैं हमने सिर्फ सफाई, हम सिर्फ सफाई अखबारों में कोई फोटो छुपाने के लिए नहीं करते, अगर हम आसपास ही नहीं साफ करेंगे। अब खुद मीडिया क्यों नहीं आती, वो वाली मीडिया, मेरे को तो खुद अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? अब देखा जाए आप मानोगे नहीं, मतलब अगर जब से पिताजी गए नशा फिर से बढ़ गया, नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है, खुद लोगों के मुंह से सुना मैंने कि अगर गुरुजी वापस आ जाएंगे वही नशा बंद हो जाएगा,
उन्होंने अगर इतने अच्छे काम चलाते हैं, अगर मीडिया चलाती है, मैं मीडिया वालों से पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया इतना चलाती हो, मीडिया एक खबर दुनिया को एक बार कह दे कि आप खूनदान करो, मैं देखती हूँ हमारे पिताजी के एक बार कहने से बिना कहे, जब भी परमात्मा कैंप लगता है बिना कहे इतनी संगत पहुंच जाती है, मीडिया को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाता है। आप मीडिया एक खबर दे दो कि खूनदान करो, फिर देखते हैं आपके कहने से कितने आते हैं और हमारे कहने से कितने लोग आते हैं, इससे ही उनको फर्क पड़ जाएगा, जबकि उनको सच्चाई भी पता कि हमने गलत करा है। समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी वीडियो के द्वारा, क्योंकि समाज ने जो देखा है वो मीडिया समाज अब भी देख रहा है, समाज को पता चल रहा है, इसलिए दुनिया जुड़ गई है, समाज को पता चल रहा है सच्चाई क्या है, यकीन नहीं है, समाज को पता चल रहा है, ऐसे नहीं लोग कह रहे, ऐसे नहीं बातें करते हमारे डेरे के बारे में, क्योंकि जब भी इतना होता है हमको इतना नुकसान दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या अपील करोगे आप सरकार से? मैं हम सरकार से यही अपील करेंगे जो भी इन्होंने हमारे गुरु जी को बोला उसको सच्चाई से उसको फेस करो ना, उसको सच्चाई से उसको सब सच्चाई सबके सामने लेके आओ, दुनिया वालों को बताओ सच्चाई क्या है। आप एक गुमनाम चिट्ठी के नाम पर आपने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसको ढूंढो तो सही, उसको करो तो सही, पूरा पूरी सच्चाई लेके आओ, क्या बकायदा ये चीज है कि नहीं है, आप उसका पूरा जो भी हमारी कर दिया, हमारी हमारे गुरु जी को छोड़ना चाहिए, उनको देखना चाहिए क्या क्या हमारे क्या काम करे, एक कहने भर से इतनी आपको करने चले जाते हैं, खूनदान करने चलते। मैं तो एक बात मेन बात मीडिया वाले से कहूँगी, अगर वो मेरा बात सुन दिया, अगर वो कंपटीशन करने चाहे ना, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप उनको बोलो एक बार अपने चैलेंज में कि हाँ भाई हमने जहाँ खूनदान कर रखा देखो कितने लोग पहुँचते हैं, और हम एक बार कहते हैं तो कितने लोग सफाई अभियान में कितने लोग पहुँचते हैं, सिर्फ एक अपील करने भर की देर होती है, इतना सुधार कौन सकते हैं गुरु जी के कहने पर से, कितने काम चल रहे हैं, कितनी जरूरत है उनकी, बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल के टाइम में। सजा किसको मिल रही है, संत जी या समाज को? नहीं समाज ही है, जो समाज चाहता है, जो मेन चीज है, जो राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एक राजनीतिक लोग करने से कितना कुछ कर रहे हैं, एक संत के करने से उनको क्या लगता है कि एक संत के करने से सब कुछ रुक जाएगा? नहीं रुकता, हमारे पिताजी तो वापस आएंगे और जुड़ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सिमरन जी जुड़ने के लिए। दोस्तों जनता मांग कर रही है इंसाफ की, इनका कहना है सच्चाई सामने आनी चाहिए, ये लोग मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया ने क्यों आखिर झूठा बदनाम किया, क्यों यहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया। इनका कहना है कि इनकी बेटियां जो 15-16 सालों की हैं वो भी आश्रम में खुलेआम आज भी आती हैं, पहले भी आती थी, ये खुद गुफा में गई हैं, ऐसा नहीं है, एक संत को झूठा फंसाया गया। इन लोगों का कहना है ये असली सच जो लगातार हम आपको सूत्रों के हवाले से नहीं पब्लिक की जुबानी दिखा रहे हैं। आप लोग भी सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।